तो तू मुझे शरीफ बना के ही रहेगा। और मेरे भाई लोग क्या हालचाल? तो गाइस ये टोपा कैसा लग रहा है यार, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि ये टोपा मेरा नहीं है, कोई छोड़ के गया था, मैं पहन के वीडियो बना रहा हूँ। अब आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 50 से 55 हज़ार रुपए में काफी ज्यादा सेंसी गेमिंग पीसी। अब ये वाला जो पीसी है ये हम बना रहे हैं हमारे अनिरुद्ध भाई के लिए, जो कि रहने वाले हैं मध्य प्रदेश से। तो इस वाले पीसी को हम भेजेंगे मध्य प्रदेश यानी एमपी। अब अगर आपको भी बनवाना था कुछ इसी तरह का एडिटिंग स्ट्रीमिंग या फिर गेमिंग पीसी, तो भाई इंतजार किस बात का कर रहे हो यार, फटाफट से आओ हमारे ऑफलाइन स्टोर पे या फिर अपने घर पे ही बैठ के ऑर्डर कर दो ऐसे ही चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी, क्योंकि हम पैन इंडिया शिपिंग करते हैं। आपके पीसी में प्रॉपरली यार गेम्स वेम्स इंस्टॉल करके, विंडोज भी इंस्टॉल करके आपके डोरस्टेप तक डिलीवर करवा देंगे। बाकी यार हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ कहीं काने खोपचे में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, जो कि है 9898684750। अरे यार अभी तक आप लोग विंडोज का अनएक्टिवेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब भाई 400-500 रुपए के लिए क्यों रिस्क लेना यार। आप लोगों को वीआईपी कीज पे 400-500 रुपए में विंडोज की रिटेल एंड ओएम कीज मिल जाती है, तो 500 रुपए में आपका जो पीसी वो एकदम सिक्योर एंड सेफ हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC350, तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फटाफट से जाओ यार डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फटाफट से रिटेल या ओएम की बाई कर लो, इनकी वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी है। तो देखो माल मटेरियल यानी पार्ट्स वाला सीन ऐसा है कि भाई आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि विवेक भाई अपने पुराने स्टाइल में गेमिंग पीसी बनाओ, जहां पे यार आप प्रॉपरली सील विल खोल के दिखाते थे, तो उस स्टाइल में गेमिंग पीसी बनाओ। तो भाई अब पार्ट्स हम आपको वहीं पे दिखा देंगे एंड वहीं पे सारे पार्ट्स को हम अनबॉक्स भी कर देंगे एंड उसके बाद आराम से शिद्दत से फुर्सत से बना लेंगे इस वाले पीसी को। तो चलो लेके चलता हूँ आपको अपने पुराने सेटअप में। तो ये है वो सारे पार्ट्स जो कि हमने इस वाले पीसी में यूज किए हैं, आधा इंटेल और आधा एएमडी वाला ये बिल्ड होने वाला है। तो सबसे पहले यार अपने प्रोसेसर से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसेसर यहाँ पे ये वाला हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को इग्नोर करना। ये हमारा इंटेल का i5-12400F CPU, आपको यहाँ पे 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं एंड अगेन सीरियल नंबर वंबर आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर सील पैक है यहाँ पे सब कुछ। एंड सील को आपके सामने ही ओपन करेंगे हम एंड ये रहा हमारा रामपुरी चाकू जिससे हम अपने सील को खोलेंगे। तो फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ एंड डब्बे में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें देखने मिलती हैं। तो गाइज ये रहा हमारा एयर कूलर स्टॉक कूलर जो कि हम फ्री में यूज़ करने वाले हैं, ये आपको डब्बे में फ्री में मिल जाता है, आपको आफ्टर मार्केट एयर कूलर की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बजट कम था। तो ये रहा हमारा प्रोसेसर जो कि है 12400F जो कि आपको इस छुटकू से पॉलीथीन में बॉक्स में आपको मिल जाता है। अगेन इसको हम साइड पर रख देंगे फिलहाल के लिए। बाकी यार अगला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पार्ट है, ये हमारा ग्राफिक कार्ड एंड ग्राफिक कार्ड गाइस यहाँ पे हमने ये वाला लगाया है, ये हमारा आसू ASRock की तरफ से आने वाला उनका चैलेंजर RX 6600 जो कि यार 8GB की VRAM आपको GDDR6 वाली ऑफर करवा देता है, PCIe 4.0 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, 1080p वाला ग्राफिक कार्ड है एंड AMD के RDNA2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो भाई टेक्निकल बातें काफ़ी हो गई, अब फटाफट से इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं एंड आपको ये भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पे यार फ्रंट में सील नहीं मिलती आपको ASRock में, सील आपको मिलती है इस साइड, यहाँ पे आपको सील मिल जाती है, ये देख लो। तो इसको मैं फटाफट से तोड़ देता हूँ एंड आपको देता हूँ एक करीबी लुक। भाई ड्यूअल फैन एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है, पूरा यहाँ पे इन्होंने पॉलीथीन वॉलीथीन मार रखा है, प्रीमियम तो लग रहा है यार बट काफ़ी हल्का सा लग रहा है। तो ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, पीछे आपको बैक प्लेट भी मिल जाता है, तो हम इसको साइड पर रख देंगे। अगेन इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है उसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं गाइस। अब अगला जो प्रोडक्ट है वो हमारा मदरबोर्ड यहाँ पे हम ये वाला लगा रहे हैं जो कि है Pro H610ME DDR4 वाला मदरबोर्ड है, MSI का बजट में आ जाता है। अगेन फिर से यार सील वील आप लोग देख लो, इसको भी मैं कर लेता हूँ अनबॉक्स। अब यहाँ पे हमारे यहाँ 30 तारीख तक भाई दिवाली ऑफर चल रहे हैं, तो अगर आप पीसी बनवाते हो तो आपको बढ़िया बढ़िया डील्स मिल जाती हैं, RGB कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो मिल रहा है, तो भाई जाके ऑर्डर कर लो पीसी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9898684750। अब ये रहा हमारा मदरबोर्ड जो कि छुटकू सा मदरबोर्ड है, Micro ATX मदरबोर्ड है, 2 रैम स्लॉट आपको मिलता है एंड यहाँ पे आपको NVMe का स्लॉट मिल जाता है एंड ये रहा हमारा CPU का सॉकेट। तो फिलहाल हम इसको भी साइड पर रखेंगे एंड इसके अंदर से मैं IO फील्ड निकाल लेता हूँ क्योंकि वो अभी पीसी बनाते टाइम हमारे काम आने वाली है एंड NVMe का स्क्रू निकालना तो भूल ही गया, ये रहा हमारा NVMe का स्क्रू। अब काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि विवेक भाई पहले की तरह पीसी बनाओ यार, उसमें आप प्रॉपरली सील वील खोलते हुए दिखाते हो, तो इसके लिए हम यार पुराने सेटअप पे वापस से आ गए हैं। अब अगला जो प्रोडक्ट है गाइस वो है हमारा रैम एंड रैम यहाँ पे हम फिलहाल 16GB की ड्यूअल स्टिक यूज़ कर रहे हैं, मतलब 8GB की टू स्टिक लगा रहे हैं, टोटल 16GB लगा रहे हैं। ये है XPG की D30 32 MHz वाली रैम है एंड DDR4 वाली रैम है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है यार, हालांकि थोड़ी सी इसकी प्राइसेस बढ़ गई है। अगेन सील वील देख लो आप लोग, फटाफट से मैं इसको भी अनबॉक्स कर लेता हूँ लगे हाथ। कॉर्सेर और ये
थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों में से आप चाहो तो भाई कोई भी ब्रांड ले सकते हो। अब ये वाला जो रैम है ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, काइंड ऑफ इसका लुक थोड़ा सा अच्छा है, देख रहे हो सिल्वर एंड आपको ब्लैक कलर की थीम में ये देखने मिल जाती है, थोड़ा सा प्रीमियमनेस तो भाई लगता ही है। तो 16 GB हम लगाएंगे एंड आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे हम 1 TB की NVMe लगा रहे हैं, जो कि ये वही हमारी लेजेंड 710 सस्ते में आ जाती है हीट सिंक के साथ, Zen 3 वाली NVMe है। फटाफट से इसको भी मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि विवेक भाई AMD के कार्ड्स में एडिटिंग हो जाएगी, तो भाई हो जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, बट अगर आपको एडिटिंग ज़्यादा करनी थी तो मैं आपको AMD रिकमेंड करूँगा, RTX 3060 ले लेना। अब ये हमारा 1 TB का NVMe एंड ये है उसका हीट सिंक, 80+ वाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता है एंड इस बिल्ड के लिए भाई इनफ है। फ्यूचर में आपको अपग्रेड करने हैं तो आप इसकी जगह 650 वोट भी लगा सकते हो, 450 वोट मत लेना यार, काफ़ी लोग देखता हूँ ले लेते 450 वोट, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ कम हो जाता है। RX 6600 भी है ना, तो उसके साथ एटलीस्ट 550 वोट ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो PSU है ना इसके ऊपर लोग पैसे तो ज़्यादा खरीदना नहीं चाहते हैं, बट यही आपके सारे कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड कराता है, तो भाई मेक श्योर कि एक अच्छे ब्रांड का PSU लो और थोड़ा सा ज़्यादा वोट ही ले लो। ये हमको थोड़ा सा जिप टाइज मिल जाती है केबल मैनेजमेंट के लिए, जो कि हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपको पावर कोड भी देखने मिल जाता है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको पावर सप्लाई मिल जाता है, जो कि ये रहा, तो इसको हम साइड पर रख लेंगे। लास्ट में एक जो हमारा पार्ट बचा है उसको भी मैं अनबॉक्स कर ही देता हूँ लगे हाथ, हालांकि वो थोड़ा सा बड़ा है, बट यहीं पे अनबॉक्स कर लेते हैं ताकि आराम से बाद में हम PC को बना सके। तो आखिरी में गाइस इसके लिए यहाँ पे हमने ये वाला कैबिनेट लगाया है। अब ये है हमारा एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला उनका i3-11MT। अब इसके अंदर आपको 3 ARGB वाले पंखे मिल जाते हैं फ्रंट में, एक नन RGB वाला फैन मिलता है रियर में, फ्रंट में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, फ्रंट में आपको मेस पैनल देखने मिल जाता है, एयर फ्लो अच्छा मिल जाएगा एंड बजट में आ जाता है यार 3500 से 3700 रुपये में आपको डिसेंट से एयर फ्लो ऑफर करवा देता है, लुक्स भी ठीक ही है। बाकी यार फैन को आप कंट्रोल कर सकते हो ऊपर दिए गए बटन की मदद से। तो ये वाला हम लगा रहे हैं कैबिनेट। अब ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए फटाफट से इस वाले PC को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मदरबोर्ड के बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने PC को बिल्ड करेंगे। थोड़ा सा हम कैमरा एंगल सही कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। अब ये रहा हमारा मदरबोर्ड का ही, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोसेसर लगाने वाले हैं। तो ये जो ब्लैक वाली प्लास्टिक है ना, इसको पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रोसेसर लगाने के लिए इसको हमें निकालना पड़ेगा। अब इसको हमने निकाल लिया है एंड यहाँ पे देखना पिंस आती है नीचे, तो थोड़ा सा ध्यान से लगाओ इसको। अब यहाँ पे आपको एरो की दिख जाएगी, वो एरो की आपको एक बार देख लेना है, ताकि प्रोसेसर के अंदर भी आपको एक छोटा सा जो एरो की मिलता है ना, वो आप देखते हुए आप सिंपली इसको उसी डायरेक्शन में रख सको। अब देखो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये रहा हमारा प्रोसेसर, यहाँ पे जो आपको ये एरो की दिख रहा है ना, ये वाला एरो की, इसी एरो की को आपको यहाँ पे मैच करना है, जो कि स्टील के ऊपर आपको एक एरो की मिल जाएगा एंड उसी डायरेक्शन में आपके CPU को कुछ इस तरह से रख देना है, दैट्स इट। उसके बाद इसको बंद कर दो एंड लीवर को हम ऐसे प्यार से बंद कर लेते हैं बस। तो यहाँ पे प्रोसेसर हमने लगा दिया है। अब बारी आती है स्टॉक कूलर लगाने की, जो कि आपको ये बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसको फटाफट से लगा देते हैं हम पीछे से, ऐसे आप आराम से इसको ओपन कर लो। एंड काफ़ी लोग पूछते कि भाई पेस्ट वेस्ट का क्या सीन है, तो यार पेस्ट लगा हुआ आता है इसलिए हम अलग से पेस्ट नहीं लगाते हैं, थर्मल पेस्ट पहले से ही प्री अप्लाइड आता है। अब ये जो 4 आपको प्लास्टिक वाले स्क्रू टाइप दिख रहे हैं ना, इनको आपको सिंपली इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर आपको होल दिख रहा होगा ना, ये होल, ये जो 4 आपको होल दिख रहा है, इसके अंदर ऐसे कुछ रखना है इनको एंड दोनों साइड से आपको प्रेस कर देना है, कट करके आवाज़ आएगी एंड फिर अगेन दोनों साइड से प्रेस कर दो। कंफर्मेशन के लिए पीछे आप देख सकते हो ये जो 4 प्लास्टिक है ये बाहर आ गए होंगे, दैट मीन्स कि आपने स्टॉक कूलर को सही से लगा दिया है। अब इसका वायर है, ये जो इसका फ़ैन हेडर वाला वायर है, ये सीधा यहाँ पे जाएगा CPU फैन हेडर वाले सॉकेट में। तो भाई कुछ भी करो यार, फोल्ड मारना तो कंपलसरी है, एक फोल्ड मार लेना इसको लगाने से पहले। तो फोल्ड मार के हम सीधा इसको इसके अंदर लगा देते हैं, ताकि हमारा जो PC रहे वो क्लीन लगे यार, बिगिनर वाला फील नहीं आएगा। अब आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे अपने रैम को लगा लेते हैं। रैम को यहाँ पे हमने रखा है, ये रहा हमारा रैम। अब यहाँ पे 2 ही स्लॉट है, तो भाई किसी भी स्लॉट में आप लगा सकते हो एंड इसको लगाना एकदम आसान है। ये जो होल दिख रहा है ना आपको, होल को आपको सिंपली इस वाले होल से मैच कर लेना एंड उसके बाद आपको इसको खाली ऐसे रख के थोड़ा सा प्रेस कर देना है दोनों साइड से, दैट्स इट, रैम लग गया हमारा। एंड दूसरे रैम को भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं। तो गाइज रैम को हमने प्रॉपरली यहाँ पे लगा दिया है, देख लो आप लोग। एंड लास्ट में गाइज यहाँ पे हम NVMe को अपने लगा लेते हैं, जो कि ये NVMe वाले स्लॉट में जाएगा। NVMe हमारा ये रहा, बट उससे पहले हमको ये स्क्रू लगाना पड़ेगा, जो कि हमको इस बॉक्स में मिला था मदरबोर्ड वाले बॉक्स। तो ये स्क्रू को हम सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे एंड तीसरे वाले स्लॉट में हमारा जो स्क्रू है वो लगेगा ये वाले स्लॉट में, देखो ये यहाँ पे स्क्रू लग गया। एंड उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली NVMe को ऐसे लेंगे एंड इस वाले NVMe वाले स्लॉट में कुछ इस तरह से थोड़ा सा आपको खाली प्रेस करके रख देना है
एंड उसके बाद यहाँ पे स्क्रू है ना, वो स्क्रू लगा देना है, दैट्स इट, आपका जो NVMe है वो लग जाएगा। एंड अगेन हर बार की तरह मैंने जो अपना छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर है उसको घुमा दिया था, फाइनली यार काफ़ी मशक्क़त के बाद ये हमको मिला है, क्योंकि बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से NVMe का ये छोटा वाला स्क्रू नहीं लगता। तो ऑल सेट गाइज, यहाँ पे हमारा ये वाला जो काम था इसको हमने कर लिया है कंप्लीट, काफ़ी क्लीन सा लग रहा है, छुटकू सा प्यारा सा लग रहा है। अब इसको हम डाल देते हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर। एंड हाँ यार, एक चीज़ तो बताना भूल गया, ये हमने लगाया ही नहीं जो NVMe की हीट सिंक है, इसको भी हम फटाफट से लगा लेते हैं, का ग्लू हम ऐसे निकाल लेंगे एंड उसके बाद हम इसके ऊपर को बस ऐसे रख देंगे, ये चिपक जाएगा, इसके अंदर ग्लू आता है, देखो ये हमारा NVMe एंड ये इसके ऊपर सीधा ऐसे जाएगा और चिपक जाएगा, बस अब हमारा काम कम्प्लीट हुआ है। तो गाइस, केस के डब्बे को निकाल लेते हैं हम बाहर, जो कि हमारा i311MT। अब यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे टोटल चार पंखे, 3 ARGB फ्रंट में, 1 NRGB रियर में, एयर फ्लो आपको मिल जाएगा कड़क। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम इसके ग्लास को निकाल लेंगे, साइड में हम इसको आराम से रख देंगे ताकि गिरे विरे तो टूटे ना, सेफ्टी जरूरी है गाइस। आफ्टर दैट गाइस, यहाँ पे अपने मदरबोर्ड के डब्बे से निकालेंगे आईओ शील्ड, उसको लगा लेंगे केस के पीछे। एंड आफ्टर दैट अपने मदरबोर्ड को लगा देंगे, मदरबोर्ड लगाने के बाद 2-4 स्क्रू यहाँ पे हम चिपका देंगे ताकि हमारा जो मदरबोर्ड है वो वहीं पे टिका रहे। एंड उसके बाद केस वाले केबल्स को हम आगे लगा लेंगे मदरबोर्ड में, जैसे फ्रंट पैनल कनेक्शन हो गया, USB कनेक्शन हो गया, एंड यहाँ पे हमारा ऊपर वाला कनेक्शन हो गया, पावर बटन, LED बटन, ये सब कुछ यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने पावर सप्लाई को लगा लेंगे, जो कि जाएगा पीछे PSU शराउड में, 4 स्क्रू लगा देंगे पीछे ताकि ये वहीं पे टिका रहे। एंड उसके बाद इसके जो केबल्स है भाई, काफ़ी सारे केबल्स हो जाते हैं यार, इनको भी हम फटाफट से यार लगा लेते हैं। 28-pin कनेक्टर हो गया, अपने मदरबोर्ड को पावर देने के लिए जो केबल आता है सारे केबल्स को लगा देंगे। एंड हमारा जो PCI केबल है उसको हम बाहर निकाल लेंगे ताकि ग्राफिक कार्ड लगाते टाइम कोई दिक्कत ना हो हमें। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे पीछे अच्छा सा सेक्सी सा केबल मैनेजमेंट करके एकदम क्लीन वाला PC बना देंगे इसको। पीछे हम 4-5 जिप टाइज मार देते हैं जो कि हमको फ्री में मिली थी। एंड केबल मैनेजमेंट तुम्हारे भाई ने कर दिया है, देख लो कैसा लग रहा है, बढ़िया सा पावर केबल मैन। एंड लास्ट में पावर केबल लगाते हैं, टर्न ऑन कर लेते हैं इस वाले PC को। तो यार नीचे कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है ये वाला PC आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। एंड 50,000 से 55,000 रुपये में भाई बढ़िया सी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। तो बस समाप्त करते हैं इस धारावाहिक शो को, ये सही था ना धारावाहिक। बाकी यार ऑर्डर करना था तो PC कॉन्टेक्ट कर लियो हमारे WhatsApp नंबर पे जो कि है 9896847500। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हाँ, एक बढ़िया सा थंबनेल ले लियो।